तो अस्सलाम वालेकुम, नंदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, क्या चाल है, हाल चाल है सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। तो आज का अपडेट जो आपकी डिमांड पे आ रहा है टनल नंबर T1 की साइड से, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे इसके ऊपर और आज हम फाइनली आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो ये वाला जो है मेरे पास क्लिप कुछ ओल्ड पड़ा हुआ था, यानी कि पुराना पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैं आपको ये भी दिखाई देता हूँ। तो अब आपको हम नए दिखाते हैं आगे जो आज का मैंने वीडियो लिया है। दरअसल अलाउ नहीं किया था अंदर मेरे को, तो ये मेरा थोड़ा पिछला क्लिप है, आप देख सकते हो पीछे जो है पिछला काम कितना पड़ा हुआ था। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसमें से जो आगे का काम है वो भी दिखाते हैं अभी, जो हमने अभी अभी वीडियो क्रिएट किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये देख सकते हो आप, ये कुछ पुराना क्लिप है जो कि कुछ एक महीने पुराने मैंने दिया था और इसलिए मैंने आपको डाला, जिसने नहीं देखा। तो ये प्रोग्रेस कुछ पहले थी जो कि पानी की प्रॉब्लम आ रही थी इस टनल के अंदर से। तो अब हम आपको बाहर का व्यू भी दिखाएंगे जो कि आज का लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों के लिए, जो भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो भी दिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आप आगे, सब्सक्राइब कर दो ज़रूर से ज़रूर। तो गाइस अभी हम T1 टनल के आगे है जो कि बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं अमेजिंग व्यू के साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और रेलवे ट्रैक देख सकते हो पेंडिंग कौन सा है, तो ये रेलवे ट्रैक जो अभी यहाँ से आगे तक टनल तक पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि अभी तक नहीं डाला है। बाकी जो है काम हो ही चुका है, इसके स्लीपर्स वगैरह भी अभी पेंडिंग है और एक जो है स्टेप इसका TCL का भी पेंडिंग है। तो बाकी बनावट इसकी देख सकते हो आप, बाकी यहाँ से आके तो कंप्लीट ही हो चुका है और रेलवे ट्रैक साथ में ऊपर जो वायरिंग है वो भी कंप्लीट ही है। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, साथ में वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और साथ में कमेंट भी करना कि आपको क्या लगता है। तो इस बार हम टनल नंबर T1 के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि अलाउ नहीं किया गया है, और कोशिश करेंगे अगर जा पाए तो नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट्स करना, तो देखते हैं अब हम जाएंगे ज़रूर। तो बाकी का व्यू ये जो है टनल के बाहर का है, सामने देख पा रहे होंगे आप व्यू कितना मस्त देखने को मिल रहा है आप सभी लोगों को। और साथ में जो है यहाँ पे रेलवे ट्रैक की ये पटरियाँ वगैरह नीचे पड़ी हुई है और ये देख सकते हो यहाँ पे जो बिल्कुल फिट हो चुके हैं। तो ये व्यू बाहर का देखने को मिला आप लोगों को, बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ पे। तो गाइज़ आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही काफ़ी मुश्किल से लिया गया है, और साथ में देख सकते हो आप ऊपर वायरिंग जो लग गई है यहाँ तक, और फाइनली सक्सेसफुल है यहाँ तक जो प्लेटफॉर्म डाला गया है। बाकी आप देख पा रहे होंगे इसको पैड वैड भी लगा दिए गए हैं और पटरी का जो है फाइनल टच भी दिया गया है यहाँ तक। और बाकी सामने देख रहे होंगे आप जो मेन टनल है T1 का सामने, और साथ में यहाँ से उधर तक जो है अभी नहीं डाला गया है, और हम कोशिश करते हैं कि अंदर से आपको दिखाएं क्योंकि सारा काम जो पेंडिंग है अंदर से ही है। तो पीछे भी आपने जो क्लिप देखा है वो कुछ 1-1.5 महीना पुराना है मेरे पास, जो कि मैंने आपको दिखाने के लिए डाला था। तो आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये अपडेट। और ये देख सकते हो आप जो सामने लगी हुई है गाड़ियां वगैरह भी, और साथ में जो है यहाँ पे जो है यहाँ क्या बोलते हैं इसको ट्रैक के लिए जो है सारा सामान ला के रखा गया है, और काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो पिछला अपडेट सावला के कोर्ट का जो है कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में पड़ा है, जाओ और वहाँ पर जाके देखना जो मैंने अभी लेटेस्ट दिया है आपको। तो काफ़ी कमेंट्स आए थे टनल T1 के बारे में, क्योंकि मेन काम जो है सबसे ज़्यादा टनल नंबर T1 के बारे में ही पड़ा हुआ है। तो आपका क्या राय है, क्या है, जो भी आप है कह सकते हो तो कमेंट के ज़रिए कह सकते हो। तो बाकी सारा मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो देख सकते हो आप सामने जो टनल नंबर T1 का जो मेन टनल है देखने को मिल रहा होगा आपको सामने, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रेलवे ट्रैक रखे गए हैं। नहीं देख सकते हो आप इतने रेलवे ट्रैक है जो कि अंदर टनल के भी काम अभी लगने हैं, और काफ़ी ज़्यादा लाइन जो है इसकी जल्दी खींची जाएगी यहाँ से। बाकी सारा मटेरियल यहाँ पे रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो, ये जो आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम तक थी और हमने आप तक पहुँचाई, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और आगे भी आप कुछ बंदों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी अपडेट्स हम डेली डालते रहते हैं और काफ़ी दिन से नहीं डाला था, तो इस चीज़ के लिए सॉरी। देख सकते हो आप बिल्कुल सामने से ये रेलवे ट्रैक रखे गए हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पे डालने हैं, और साथ में टनल नंबर T1 के अंदर भी अभी तक रेलवे ट्रैक नहीं डाला हुआ है अंदर, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी डाला जाएगा। तो आप देख सकते हो खुद ही T1 टनल के अंदर, एक बात बता दूँ मैं जो कि मैंने सामने से देखा, वहाँ पे जो है TCL वगैरह जो नीचे से बेस बनाया गया है और बाकी नहीं बनाया गया अभी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी बनाया जाएगा।
तो वहाँ पे जो स्लीपर्स वगैरह पेंडिंग पड़े हुए, अभी बाकी बेस बनाया गया है, बाकी सारा काम वहाँ पे कर दिया गया है। वैसे कहे तो अभी 50% से कम ही काम हुआ है अंदर। तो ये कि ब्रेक थ्रू हो चुका है, साथ में जो ऊपर वगैरह वाटर प्रूफिंग वगैरह की जा रही है उसको अभी, और ये जो यहाँ पे नीचे है डंप वगैरह जहाँ पे स्टोरेज में बनाया जा रहा है मटेरियल, तो अभी भी काम अंदर पे चल रहा है, जो कि मिलर भरे जा रहे हैं यहाँ से सीमेंट के, और 6 MQ 7 MQ जो इसके अंदर आता है तो वो अंदर लिया जा रहा है। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार, और कुछ दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना। और हमारे चैनल की जो थोड़ी ग्रोथ जो है गिर चुकी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाला था, तो अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं थे, तो जम्मू में थे इसलिए अपडेट्स नहीं आ पाई। और अपडेट्स के लिए मैंने आपको वापस, अब यहीं पे पहुँच चुके हैं हम, जो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल टनल नंबर T1 के सामने अभी मैं हूँ, और देख सकते हो आप मेन जो है NR का टनल, ये रहा T1 का। तो सिंगल लाइन यहाँ पे खींची जा रही है अंदर, और काफ़ी ज़्यादा जल्दी अंदर तक भी काफ़ी टाइम से जो है काम लगा हुआ है, और काफ़ी इंतज़ार किया आप लोगों ने इस वीडियो का, जो कि काफ़ी 1 महीने से मुझे कमेंट्स आ रहे थे। तो अंदर से गाड़ियाँ वगैरह आ रही है, इसलिए अंदर हमें जाने का कोई भी नहीं दे रहे हैं। तो बाकी आप देख पा रहे होंगे सामने से टनल के अंदर, सामने देख पा रहे होंगे थोड़ा सा आप, जो कि बिल्कुल कम्प्लीट है ऊपर से, और अभी जो यहाँ पे इसका बेस भी नीचे से बना दिया गया है, और थोड़ा बहुत तो मेन समझो TCL का जो अभी नहीं बना हुआ है, ये क्या बोलते हैं इसको, TCL की जो मतलब ट्रेन का ट्रैक है वो नहीं अभी बने हुआ है अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी बने जाएगा। तो हमें अंदर नहीं जान दे रहे हैं, हमने कोशिश की इनसे पूछा, लेकिन इनने जो है परमिशन नहीं दी। तो पिछली बार जो है एक क्लिप मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स से मंगाई थी अंदर से, जो कि अंदर काम कर रहे थे, लेकिन वो भी कुछ थोड़ा सा ही लेके आए थे, तो परमिशन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। और बाकी के अपडेट्स भी मैंने काफ़ी दिए हुए हैं आप लोगों को, तो अंदर आप देख रहे होंगे कंप्लीट है साइट का, जो कि ऊपर से भी कंप्लीट है। और बाकी अगर अपडेट आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ में कुछ लोगों में भी शेयर कर देना। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, और हम ज़रूर और वहाँ ज़रूर वहाँ पे जाएंगे, जो भी आप अपडेट कहेंगे, टनल नंबर 36, टनल नंबर 46 वगैरह जो भी टनल है यहाँ पे पड़े हुए, हम आपको ज़रूर से ज़रूर उसका अपडेट करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा अपडेट दे, पर यहाँ पे जो है परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए कुछ कोशिश और करेंगे, बाकी भी हम अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अब हम इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और बढ़ते हैं अब आगे के लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मैं फास्टली आप तक पहुंचे। तो अब करते हैं व्लॉग का एंड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत।